विश्व एथलेटिक्स दिवस के अवसर पर रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने पूर्व खिलाड़ियों को माल्यार्पण कर एवं एकल पुष्प देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने बताया कि शनिवार को विश्व एथलेटिक्स डे है, जिसको पूरे देश में मनाया जा रहा है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डे माना जाता है। इस दिन जो भी खिलाड़ी है वह प्रण लेता है कि हमें एक अच्छा खिलाड़ी बनना है। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व खिलाड़ी डेक्थेलॉन के गोल्ड मेडलिस्ट रविंद्र सिंह एवं डॉक्टर राजवीर सिंह और क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने कहा, आजा भाई कहां बात है, अरे फुटबॉल वाले मैं रविंदर सिंह डेकाथलान के इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट में रहा हूं, यहां रेलवे में सर्विस करता हूं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस के अवसर पर आज रीजनल स्टेडियम में ये एथलेटिक्स के उत्थान के लिए कार्यक्रम किया गया था, जिसमें कि सभी खिलाड़ी एथलेट कोचेज RSO साहब और जितने भी सम्मानित शहर के लोग थे आज एकत्रित होकर अपने एथलेटिक्स दिवस को याद किए और आने वाले समय में और भी ऊर्जावान होकर हम इस ज़िले को यूपी का देश का नाम रोशन करेंगे, इसी लक्ष्य के साथ आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। तो सम्मानित भी किया गया कुछ सभी सीनियर खिलाड़ियों को, अच्छे खिलाड़ी जो पुराने खिलाड़ी थे उनको सम्मानित किया गया पुष्प और माला देकर। हमारे रीजनल स्पोर्ट्स अफसर के तरफ से सभी लोगों को सम्मानित किया, हम लोग इस सम्मान से बहुत गौरवान्वित हुए हैं, काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर राजवीर सिंह, गोरखपुर विश्वविद्यालय। आज जो विश्व एथलेटिक दिवस है और इस अवसर पर रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी श्री आले हैदर जी द्वारा एथलेटिक्स से इस शहर के जुड़े हुए सीनियर खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और सभी जो यहाँ के ट्रेनीज हैं, खिलाड़ी हैं, उनके सामने सीनियर खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनसे उनके अनुभव को साझा किया गया। रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर आले हैदर। आज वर्ल्ड एथलेटिक डे है और इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया और जो इंटरनेशनल फेडरेशन है एथलेटिक्स की, वो इसको सेलिब्रेट करते हैं और आज ये एथलीट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे माना जाता है, क्योंकि खिलाड़ियों का एक इस दिन एक ये होता है कि हम अपने एक प्रण लेते हैं कि अच्छा खिलाड़ी हमको बनना है, अपने इवेंट्स में परफॉर्म करना है और अच्छे परफॉर्म करके अपने जो अचीवमेंट्स हैं उनको एक ऊंचाई तक ले जाने के लिए हम इस बात का सोचते हैं, इरादा करते हैं। तो खिलाड़ी के लिए एक महत्वपूर्ण डे है। इस अवसर पर बहुत सारे आयोजन भी होते हैं और जगह जगह खिलाड़ियों का सम्मान भी किया जाता है जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं जिन्होंने। इसी अवसर पर आज हम जो गोरखपुर में यहाँ के जो नेशनल लेवल और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय स्तर पर जिन लोगों ने पदक विजेता रहे हैं और अपने ज़माने के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, उन सबको यहाँ आमंत्रित किया गया था। तो इसी क्रम में ये सब लोग यहाँ, हमने इनका एक सम्मान छोटा सा सम्मान समारोह रखा था जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ आए और उन्होंने इसमें भाग लिया, उनको सम्मानित किया गया है और उनके एक्सपीरियंस जो हैं उन्होंने खिलाड़ियों से शेयर किए हैं ताकि वो जो पुराने खिलाड़ी के एक्सपीरियंस या अनुभव हैं उसके आधार पर वो अपने आप को तैयार करें और आने वाले समय में अच्छा खिलाड़ी बनके उनको पदक प्राप्त करें।